फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है फिश फ्राई। इसे बनाने के लिए मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्चें, उसके बाद हम इसमें डालेंगे पुदीना, धनिया पत्ती और 5 से 6 लहसुन ले लिया मैंने। पुदीना ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालिए वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये सारे मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसमें डालेंगे पानी और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने फिश ले लिया, ये रेहू फिश है, आप जो फिश लेना चाहे ले सकते हैं। इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। अभी हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें हम ये सारी फिश डाल देंगे। उसके बाद इसमें मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/2 लेमन का रस, ये डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच भर कर लाल मिर्च, एक चम्मच भर कर हल्दी, और हमने जो ये पेस्ट तैयार किया था ये सारे पेस्ट इसमें डाल देंगे। दोस्तों आपने फिश फ्राई तो बहुत तरीके का खाया होगा, बट ये बहुत इजी है बनाना, बहुत झटपट ये जो है बन जाता है। तो आप एक बार ऐसे मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे हाथों से। बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत इजी बन जाता है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं तो आप उन्हें भी बना के ये खिला सकते हैं। अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें ये चावल का आटा डाल देंगे। पांच चम्मच चावल का आटा मैंने यहाँ पे लिया था। अब इसमें डालेंगे हम सूजी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और इसे मिलाएंगे। अब फिश को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाला है, ये कड़वा तेल है, आप चाहें तो रिफाइन भी यूज कर सकते हैं। तेल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया है, तो अब हम फिश को इसमें डालेंगे। तो उसके लिए हमने ये जो चावल का आटा और सूजी का बैटर बनाया था इसमें फिश को अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे इस तरीके से। सारे फिश को इसी तरीके से कोट कर लेंगे। इसकी सबसे खास बात यह है कि बहुत इजीली बन जाता है और खाने में भी टेस्टी होता है। चारों तरफ से अच्छे से कोट कर लेंगे और अब इसे फ्राई करेंगे। अब इसे प्लेट के दोनों साइड से सेक लेंगे। इसे बहुत ज्यादा तेल में फ्राई नहीं करना है, बहुत कम तेल चाहिए इसे फ्राई करने के लिए। अब यहाँ पे फिश हमारी फ्राई हो चुकी है, तो मैं इसे गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे प्लेट में निकाल लूंगी। उसके बाद आप आपसे मिलती हूँ।
तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारी फ़िश फ्राई बनकर तैयार है। इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है और कुछ प्याज और टमाटर एंड धनिया पत्ती के साथ, पुदीने की पत्ती के साथ इसे गार्निश किया है। अगर आपको ये इजी क्विक रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। मैं ऐसे ही आपके लिए इजी रेसिपीज लाती रहूँगी। और आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।